वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस चैनल इस वीडियो में आप सीखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन का एनालिसिस एनसिस वर्कबेंच के हेल्प से किस तरीके से किया जाता है। आपके सामने दो फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर वन एंड टू। फिगर वन सिंपल यू शेप ज्योमेट्री को शो कर रहा है, फिगर टू थर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है। पैरामीटर्स, मटेरियल्स स्टील एंड एल्यूमिनियम, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले वर्कबेंच में जाना होगा। वर्कबेंच में जाने के बाद में आप स्टैटिक स्ट्रक्चरल डिजाइन मॉडलर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज्योमेट्री पर राइट क्लिक कर ज्योमेट्री को ड्रा करेंगे। डिजाइन मॉडलर ओपन हो गया है, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, लुकआउट पर क्लिक करेंगे, यूनिट्स को मिलीमीटर में रखेंगे। यहाँ पर यू शेप ज्योमेट्री को बनाएंगे, उसके लिए स्केचिंग के अंदर में जाना होगा। ये ओवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसका डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में मॉडिफाई में जाएंगे, ट्रिम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट को ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद में ड्रा में जाएंगे, लाइंस पर क्लिक करेंगे, लाइन पर, उसके बाद में यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद में एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, स्केच वर्क को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, डेप्थ 20 रखेंगे, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि यू शेप का ज्योमेट्री बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में फिर से आपको वर्कबेंच में जाना होगा, मॉडल पर राइट क्लिक कर एडिट पर क्लिक करेंगे। मॉडल ओपन हो चुका है, सॉलिड को रिनेम कर लेंगे। यू शेप ज्योमेट्री, उसके बाद में मेश पर राइट क्लिक कर इंसर्ट पर, इंसर्ट के अंदर में साइजिंग पर क्लिक करेंगे, बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, वैल्यू 3 रखेंगे, एलिमेंट साइज वैल्यू, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैकेनिकल के बजाय नॉन लीनियर मैकेनिकल पर क्लिक कर लेंगे, फिर से जनरेट कर लेंगे। स्टैटिक स्ट्रक्चरल पर राइट क्लिक कर इंसर्ट के अंदर में जाकर फिक्स्ड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको फिक्स्ड सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टैटिक स्ट्रक्चरल पर राइट क्लिक कर यहाँ डिस्प्लेसमेंट पर क्लिक करेंगे, सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर एक्स कंपोनेंट में जीरो रखेंगे, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। उसके बाद में स्टैटिक स्ट्रक्चरल पर राइट क्लिक कर थर्मल कंडीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, टेम्परेचर वैल्यू 50 रखेंगे। और यहाँ पर मटेरियल को सबसे पहले स्टेनलेस स्टील रखेंगे। सॉल्यूशन में डिफॉर्मेशन के अंदर में जाकर टोटल पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन पर क्लिक करने के बाद में साल्व पर क्लिक करेंगे। फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पर सॉल्यूशन मिल चुका है। यहाँ पर जो डिफार्मेशन हो रहा है वो 0.0078 हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर चेक कर लेते हैं। 100 पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर सोल्यूशन मिल चुका है। यहाँ पर डिफार्मेशन 0.0368 मिल रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से दूसरे मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, स्टील के बजाय एल्यूमिनियम को रखते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम का थर्मल एक्सपेंशन स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि थर्मल एक्सपेंशन का एनालिसिस एनसिस वर्क बेंच में किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।